एवरीवन वेलकम टू आई एस पाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 के बारे में। आई होप आपको फर्स्ट वाला जो टॉपिक था, फर्स्ट वाली जो वीडियो थी, उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि मनुष्य द्वारा ध्वनि उत्पन्न करना, आखिर मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसे होती है, और आप सभी इसमें देख भी पा रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आने वाला है पढ़ते पढ़ते। आपको पता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य जिसके द्वारा ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, वो पॉइंट जो होता है वो गले में स्थित होता है, ठीक है, वो गले में उपस्थित होता है। अब गले में एक पॉइंट ऐसा होता है जिससे क्या होता है कि कंपन के द्वारा पॉइंट, जैसे अगर उसे बोला जाए कि कंपन के द्वारा उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, मर किस में होती है, मनुष्य में। अब जो मानव है, मानव में ध्वनि, जैसे वाक्य यंत्र है आपका, कंठ है, वाक्य यंत्र हो गया, कंठ हो गया, तो उसके द्वारा क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भी हम अपनी जैसे उंगलियां हैं, उंगलियों को कंठ पे रखेंगे और हम बोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो वो क्या करने लगता है, कंठ जो वो कंपित होने लगता है, ठीक है, कंपन करने लगता है। अब आपको ये भी समझ लेना है कि कंपन होने के साथ साथ आवाज़ भी निकलती है, ओके, होप आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था, वाक्तंत्र। आखिर वाक्तंत्र होता क्या है, आपको पता है इसके बारे में, मैं आपको बताती हूँ। सो ये जो वर्ड है ना आपका वाक्यंत्र, ये होता क्या है, अगर आपको इसके बारे में बताया जाए तो मनुष्य के शरीर में वह भाग जो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसे हम वाक्यंत्र या फिर कंठ बोलते हैं। आपको ये नोट भी कर लेना है। अब जो वाक्यंत्र होता है वो उपस्थित कहाँ होता है, जैसे वाक्तंत्र जो होता है आपका, वो गले में श्वास की नली के ऊपर वाले सिरे में प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ कि कंठ के आर पार, मतलब दो वाक तंतु होते हैं, वाक तंतु कैसे होते हैं, वो झल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है उनका। अब उसको सुकड़ने या फिर उसके फैलने से क्या होता है, आवाज़ निकलती है। उसके बीच एक पतला सा गैप भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है, एक मिनट, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। कि ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, देखिए श्वास नली के ऊपरी वाले सिरे में होता है, बाकी अंदर फिर इसके क्या होते हैं, दो आर पार वाक तंतु होते हैं, ओके, अपने यहाँ तक समझा। लेकिन जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं, और उसी में क्या होता है, जो वायु है ना, वायु का निर्गत होता है और आवाज़ें निकलती हैं सांस लेने के टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। एंड फर्स्ट थिंग कि आपको जो भी पढ़ना है मज़े लेके पढ़ना है, इन्जॉय लेते हुए पढ़ना है, ऐसा नहीं आप थोड़ा सीरियसली होकर पढ़ रहे हैं तो होप आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप तब इन्जॉय लेके पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम किसकी आवश्यकता होती है हमें, ओके। अगर आपको बताया जाए, पहले ये जान लेते हैं कि ये किस किस प्रकार से काम करते हैं, कौन वाक्यंत्र किस प्रकार से काम करते हैं। तो अगर आपको बताया जाए, जो वाक्यंत्र होते हैं ना, जब फेफड़े में वायु को एक तरीके से बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं, तो जो वाक्तंतु होना है वो कंपित होने लगते हैं। अब क्या होगा, जिससे जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतु में, जैसे तना हुआ आपका, वो एक तरीके से ढीला कर सकता है उसे काफ़ी अच्छे से। और क्या होता है इसमें कि जब वाक तंतु तने हुए या फिर पतले होते हैं, तब वाक ध्वनि या फिर प्रकार उसी उसकी जो गुणता होती है, जो उसका गुण होता है, वो वाक ध्वनि से भिन्न होती है, ठीक है। जब वाक तंतु ढीले हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, मनुष्य में क्या होता है आपको पता है, मनुष्य में जो वाक तंतु होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, मनुष्य में जो भी वाक तंतु होते हैं उसकी लंबाई 1.75 सेंटीमीटर होती है, और 1.75 से 2.25 सेंटीमीटर होती है, इस बीच इनकी लंबाई होती है, ओके। अब जो वुमेन होती हैं, वुमेन जो भी लेडीज होती हैं, तो उनकी जो लंबाई होती है वो 1.25 सेंटीमीटर से लेके 1.75 सेंटीमीटर के बीच होती है, ये आपको ध्यान रख लेना है काफ़ी अच्छे से। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ये अंतर जैसे आपको, जैसे तात्वत होता है तो उसको प्रभावित करता है, इसका कारण एक ही है कि महिला की जो आवाज़ होती है ना,
वो काफ़ी मनुष्य से भिन्न होती है, मनुष्य के पास महिला से भिन्न होती है। आपने देखा होगा ना काफ़ी अच्छे से महिला की जो आवाज़ होती है ना काफ़ी तेज़ निकलती है। अगर कोई लेडीज़ दूर से बोल रही है ना तो आपको काफ़ी अच्छे से सुनाई देगा। बच्चों में भी आवाज़, अगर बच्चे चीखते हैं तो उनकी आवाज़ काफ़ी दूर से हमें सुनाई देती है कि बच्चा रो रहा है, आवाज़ सुनाई देती है ना। लेकिन जो मनुष्य होते हैं तब वो व्यस्त हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनकी आवाज़ धीरे हो जाती है, इतनी तेज़ नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे ये भी जान लेना है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम किसकी आवश्यकता होती है। हमें काफ़ी अच्छे से आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करनी है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है यहाँ पे। आपको पता है कि जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि में गमन के लिए आवश्यकता होती है हमें ठोस की, द्रव की या फिर गैस की। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी बताया था, होप आपको काफ़ी अच्छे से याद भी होगा। जो लोग डेली क्लास अटेंड करते हैं उन लोगों को पता होगा। तो इसीलिए जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं पहले वो फर्स्ट वीडियो जाके देखें, दैन सेकंड देखेंगे तो आपको काफ़ी इजीली समझ आएगा। मैंने आपको बताया कि हमें किस किस चीज़ की नीड होती है गमन करने के लिए, ठोस, द्रव एंड गैस की। अगर आप ठोस को पीटते हैं तो क्या होती है, उसमें से आवाज़ निकलती है, और आप लिक्विड में आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा आइए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। आपको यहाँ पे करना क्या है ये यहाँ पे आप ध्यान देंगे, तो इसमें आपको एक टब लेना है, एक बाल्टी ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, पानी भरना है। अब पानी उसमें भरा हुआ है, उसके अंदर एक घंटी रखनी है आपको, घंटी बजाने वाली घंटी जो होती है, ठीक है। कोशिश करते हैं और देन हम उसे अपने कान को ऐसे टच कर लेते हैं, मतलब कान को ऐसे पानी से लगाना है कि आपके कान में भी पानी ना जाए और आप आवाज़ को भी काफ़ी इजीली सुन सकें। आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है इस बात का। तब पानी की तरफ आप कर लेते हैं, उसके बाद से हम घंटी बजाते हैं। अब पानी में जो आप घंटी बजा रहे हैं, पानी में जो भी बजती हुई घंटी है उसकी आवाज़ आपको इजीली सुनाई देगी। लेकिन पानी में घंटी आपको यहाँ बजा रहा है और आप सुन रहे इतनी दूर से खड़े होकर हैं, तो वो जो आवाज़ है वो आपको नहीं सुनाई देगी इजीली। ओके, ध्यान रख लेना है काफ़ी अच्छे से ये भी आपको। अगर किसी प्रकार की जो वायु है वायु में संचलित होती तो क्या होगा, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप बोलें कि अगर आपको जैसे कि सेल फोन लेते हैं आप, ठीक है, कोई भी सेल फोन वगैरह ले सकते हैं, उसका भी एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी आपने जैसे सेल फोन लिया और उसके बाद से उसको आपने ग्लास में रख दिया। अब ग्लास में रखने के बाद में जो ग्लास है, अब ग्लास में आपने तब वो रख दिया तो ग्लास में उसमें आपने घंटी बजाई जाती है, अब उसे आराम से आप वॉइस को सुनाई देगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, अगर आप गिलास को मुंह से टच कर लेंगे, मुंह से आप उसे टच कर देते हैं तो वायु को अंदर खींच लेते हैं आप, तो क्या होता है गिलास के अंदर जो भी बस्ती हुई घंटी है ना वो आपको सुनाई नहीं देगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो साउंड होता है ना, जो साउंड के गमन के लिए गैस की भी नीड होती है और गैस के अभाव में गमन नहीं कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है कि साउंड गमन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसके गैस के अभाव में साउंड गमन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। कोई भी क्लास आप लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, तो आप उस क्लास को डेली अटेंड करेंगे। इससे आप लोगों का ये बेनिफिट रहेगा कि एक तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा डेली, अगर आप एक साथ देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए। डेली क्लास अटेंड कीजिए, डेली आपको समझ भी आएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और हंसते हंसते हर चीज़ सीखे, तब आप मुस्कुरा के हर चीज़ को करते हैं, हर प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हर पढ़ाई को आप काफ़ी अच्छे से बुक को पढ़ते हैं तो वो इजीली आपके समझ आएगी। लेकिन आप थोड़ा स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे ना कि अरे यार मेरे को भी ये बुक भी पढ़नी है, मुझे भी साइंस की क्लास भी लेनी है, ओ नो अभी तो पॉलिटी की क्लास भी लेनी है, आपको इसे ऐसे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अदरवाइज़ आप मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं, हंसते हुए पढ़ते हैं, इन्जॉय लेके पढ़ते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है पढ़ने में। इसीलिए आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए और IAS पॉइंट की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। कोई भी डाउट रहता है आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है ना आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।